हारी हूँ मैं, बट कोई बात नहीं, इतना वजूद हो गया है मेरा। ये लोग जो स्टार लोग होते हैं ना, जो मतलब जिनको पका पकाया ही मिल जाता है, ये लोग ना अपने आगे कुछ नहीं सोचते। इनफैक्ट उनके साथ मैंने काम भी किया है, उस लड़की के साथ मैंने काम भी किया है। तो दोस्तों, अर्चना गौतम का एविक्शन हो चुका है और वो बिग बॉस से बाहर हो चुकी है। और बाहर आने के बाद ही दोस्तों उनका एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सामने आया है, जिसमें कि उन्होंने बिग बॉस के बारे में खुलकर बात की है और अपनी प्रेडिक्शन भी लगाई है कि आखिरकार बिग बॉस का विनर कौन बन सकता है। तो दोस्तों, आखिरकार अर्चना गौतम ने बिग बॉस के बारे में क्या कहा, विनर के बारे में क्या कहा है, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और साथ ही साथ दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, इससे आपको हर तरह की लेटेस्ट अपडेट्स आसानी से मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, अर्चना गौतम ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि मुझे बिग बॉस हमेशा याद रहेगा, मुझे बिग बॉस ने बहुत कुछ सिखाया है, बहुत से नए रिश्ते मैंने बनाए हैं बिग बॉस के इस जर्नी में। मैं सोचती थी कि बिग बॉस का विनर मैं बन जाऊं, पर ऐसा नहीं हुआ और मेरे हिसाब से अब बिग बॉस का विनर प्रियंका को बनना चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छी लड़की और बहुत ही अच्छा खेल रही है। मेरे हिसाब से प्रियंका को ही विनर बनना चाहिए। हालांकि प्रियंका के अलावा और भी जो अदर कंटेस्टेंट है वो भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, उनको भी सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन अब मैं पर्सनली प्रियंका को विनर बनता देखना चाहती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी लड़की है। मेरी प्रियंका से बहुत बार नोकझोंक हुई है, लेकिन वो शो के अंदर की बात थी, और अब मैं जब शो से बाहर आ चुकी हूँ तो मैं खुलकर प्रियंका को ही सपोर्ट करूंगी, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा खेल रही है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि अर्चना गौतम प्रियंका को किस तरह से सपोर्ट कर रही हैं। तो दोस्तों, अब आप लोग हमें कमेंट में बताओ कि आपके इस बारे में क्या है कहना, और साथ ही साथ दोस्तों हमें कमेंट पर यह भी बताइएगा कि आपके हिसाब से बिग बॉस का विनर कौन बनेगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।